हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतमकुर में। जैसा कि कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का 1 अगस्त में एग्ज़ाम हो चुका है, और 1 अगस्त के एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट देखने को मिला था, खासकर क्वांट का लेवल। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर, कल का एग्ज़ाम क्या लेवल का रहेगा, क्या क्वांट टफ़ आएगा या रीजनिंग टफ़ आएगी। आप पहले से कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट आसान रहेगी या कौन सी शिफ्ट टफ आने वाली है, या रीजनिंग टफ आएगी या क्वांट टफ आएगा। लेकिन जिस तरह से आरआरबी पीओ प्री की कट ऑफ देखने को मिलती है तो पेपर बिल्कुल आसान तो देखने को मिलेगा नहीं। तो आपको पहले से कोई टारगेट सेट नहीं करना है कि हमको 55 प्लस करके आना है, 60 प्लस करके आना है। जैसा कि आपका थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में है, आपने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखा कि यार फर्स्ट शिफ्ट ठीक आई है, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं, तो हमको भी उतने अटैम्प्ट करके आना है। पता नहीं आपकी शिफ्ट टफ आने वाली है या आसान आने वाली है, तो आपको कोई टारगेट सेट नहीं करना है। एग्ज़ाम में शुरुआत आप अच्छी कीजिए, शुरुआत के जो 10 मिनट हैं आप वो क्वेश्चन कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा सोचना न पड़े। उसके बाद आप अपने आप एग्ज़ाम के लेवल को समझ जाओगे और समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन हमको स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन हमको करना है। और 45 मिनट में आप जितने भी क्वेश्चन करके आओगे 100% उसमें आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लेवल का कल एग्ज़ाम रहने वाला है, या क्वांट टफ आएगा या रीजनिंग टफ आएगी, क्या हमको स्ट्रेटजी रखनी है। आपने काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, जो स्ट्रेटजी आपकी मॉक टेस्ट में रही है बस उसी को आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है। 100% आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। बाकी कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।